हाल ही में रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स फिल्म देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां भाजपा कश्मीर में हिंदुओं के दर्द पर कांग्रेस को कोस रही है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं का मानना है कि झूठ सत्य के रूप में परोसा गया है। हमारे शुजालपुर सहयोगी दीपक सक्सेना ने राष्ट्रीय सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र जोशी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने न सिर्फ चार राज्यों में हार पर बेबाकी से अपनी राय दी, बल्कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को भाजपा के लिए प्रचार का माध्यम बताया। सुजालपुर से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में सक्रिय रहने वाले महेंद्र जोशी जी से आज हम चर्चा करेंगे। वो विभिन्न विषय जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए सवाल है, साथ में स्थानीय मुद्दे। भाई साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश पर। एक बड़ा इंसिडेंट देखने को मिला अभी, उमा भारती जी ने शराब के ठेके पर जाकर तोड़फोड़ की। क्या पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह का जो कारनामा जिसको बोल सकते करना चाहिए, और क्या स्टैंड है उसका? देखिए, हर पद की अपनी मर्यादा होती है, चाहे वो वर्तमान हो और भूतपूर्व होने पर अधिक होती है। एक तरफ उमा भारती जी का ये बयान, वो शराबबंदी के बारे में बोलती है, वही मध्य प्रदेश सरकार शराब को लेकर के उसका जो रुख है वो कहीं ना कहीं उसको सस्ती करना और उसका अधिक प्रचार प्रसार करना और उसका ज़्यादा व्यापक रूप रेवेन्यू के लिए कर रहे हैं। अब इसमें दो ध्रुव समझ में आते हैं, इसी को कहते हैं देखिए कि आपकी कथनी और करनी का अंतर। एक तो संवादहीनता है पार्टी के अंदर। आज एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर भोपाल जैसे शहर के अंदर राजधानी में अगर ये उन्होंने घटना करी, उसकी वजह से जो संदेश बड़ा स्प्रेड जाता है, अगले दिन से महिलाओं ने कहा हम आग लगा देंगे, तो ये जो अराजकता के जो कदम उठाए जा रहे हैं, मुझे उम्मीद थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, कुछ तो कहेंगे, इसके ऊपर नीतिगत रूप से सोचना चाहिए और समाज के बीच में इस प्रकार कम से कम राजनीतिक बड़े पदों पर बैठे लोगों को अपने आचरण से, अपने व्यवहार से और अपनी नीति से स्पष्ट होना चाहिए। ये अस्पष्टता कहीं ना कहीं इससे अधिक उमा भारती जी को, चूंकि उनको कहीं ना कहीं उस भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को जो उनका नैसर्गिक हक था कि पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनको कार्य समिति में स्थान मिलना चाहिए था, उपेक्षा के कारण उन्होंने ये भी काम किया है, सरकार को किस प्रकार से उनका ध्यान आकर्षित किया जाए वो भी हो गया, और जो उन्होंने बात कही थी अब वो अपने कमिटमेंट पे हैं। सरकार उस पर क्या कहना चाहती है इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सरकार को बोलना चाहिए, नीति स्पष्ट करना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये घटनाएं और बढ़ेंगी और इस प्रकार लोगों को लगेगा कि हाँ अराजकता ही एकमात्र साधन है अपनी बात कहने का। चूंकि सुजानपुर विधानसभा से भी आपने चुनाव लड़ा है, स्थानीय मुद्दा सबसे बड़ा एक इंसिडेंट हुआ अभी कि दो दिन से विद्युत मंडल एक बड़ी कार्रवाई कर रहा है जिसमें किसानों के वाहनों को सीज किया जा रहा है, जबकि किसानों का कहना है उन्हें 26 तारीख तक का नोटिस मिला है। पूरे देश भर की वो अपनी जगह फिल्म के हो सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन एक अच्छे झूठ को सत्य के रूप में कैसे परोसना है, इसमें भले कामयाब हो गए हो, पर मुझे लगता है सत्यान्वेषण की आवश्यकता है। कश्मीर फाइल्स के ऊपर लोगों को उसके इतिहास को भी जानना पड़ेगा और उसके सत्य को भी करीब से जानना पड़ेगा। बाकी प्रचार प्रसार तो अब एक आजकल ऐसी चीज़ हो गई है कि उसमें सत्य जब तक अपने घर से निकलता है तब तक झूठ एक पृथ्वी का चक्कर लगा चुका है। ये थे हमारे साथ महेंद्र जोशी जी, जो सुजालपुर के ही निवासी, और निश्चित मीडिया से इनके अच्छे ताल्लुक इसलिए भी क्योंकि बखूबी बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रखते हैं। खबर मध्य प्रदेश, दीपक सक्सेना, सुजालपुर। सुजालपुर से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में सक्रिय रहने वाले महेंद्र जोशी जी से आज हम चर्चा करेंगे। वो विभिन्न विषय जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए सवाल है, साथ में स्थानीय मुद्दे। भाई साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश पर। एक बड़ा इंसिडेंट देखने को मिला अभी, उमा भारती जी ने शराब के ठेके पर जाकर तोड़फोड़ की। क्या पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह का जो कारनामा जिसको बोल सकते करना चाहिए, और क्या स्टैंड है उसका? देखिए, हर पद की अपनी मर्यादा होती है, चाहे वो वर्तमान हो और भूतपूर्व होने पर अधिक होती है। एक तरफ उमा भारती जी का ये बयान, वो शराबबंदी के बारे में बोलती है, वही मध्य प्रदेश सरकार शराब को लेकर के उसका जो रुख है वो कहीं ना कहीं
उसको सस्ती करना और उसका अधिक प्रचार प्रसार करना और उसका ज़्यादा व्यापक रूप रेवेन्यू के लिए करना है। अब इसमें दो ध्रुव समझ में आते हैं, इसी को कहते हैं देखिए कि आपकी कथनी और करनी का अंतर। एक तो संवादहीनता है पार्टी के अंदर। आज एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर भोपाल जैसे शहर के अंदर राजधानी में अगर ये उन्होंने घटना करी, उसकी वजह से जो संदेश पड़ा पड़ जाता है, अगले दिन से महिलाओं ने कहा हम आग लगा देंगे, तो ये जो अराजकता के जो कदम उठाए जा रहे हैं, मुझे उम्मीद थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, कुछ तो कहेंगे, इसके ऊपर नीतिगत रूप से सोचना चाहिए और समाज के बीच में इस प्रकार कम से कम राजनीतिक बड़े पदों पर बैठे लोगों को अपने आचरण से, अपने व्यवहार से और अपनी नीति से स्पष्ट होना चाहिए। ये अस्पष्टता कहीं ना कहीं इससे अधिक उमा भारती जी को, चूंकि उनको कहीं ना कहीं उस भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को जो उनका नैसर्गिक हक था कि पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनको कार्य समिति में स्थान मिलना चाहिए था, उपेक्षा पड़ जाता है। अगले दिन से महिलाओं ने कहा हम आग लगा देंगे, तो ये जो अराजकता के जो कदम उठाए जा रहे हैं, मुझे उम्मीद थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, कुछ तो कहेंगे, इसके ऊपर नीतिगत रूप से सोचना चाहिए और समाज के बीच में इस प्रकार कम से कम राजनीतिक बड़े पदों पर बैठे लोगों को अपने आचरण से, अपने व्यवहार से और अपनी नीति से स्पष्ट होना चाहिए। ये अस्पष्टता कहीं ना कहीं इससे अधिक उमा भारती जी को, चूंकि उनको कहीं ना कहीं उस भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को जो उनका नैसर्गिक हक था कि पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनको कार्य समिति में स्थान मिलना चाहिए था, उपेक्षा के कारण उन्होंने ये भी काम किया है, सरकार को किस प्रकार से उनका ध्यान आकर्षित किया जाए वो भी हो गया, और जो उन्होंने बात कही थी अब वो अपने कमिटमेंट पे हैं, सरकार उस पर क्या कहना चाहती है इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सरकार को बोलना चाहिए, नीति स्पष्ट करना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये घटनाएँ और बढ़ेंगी और इस प्रकार लोगों को लगेगा कि हाँ अराजकता ही एकमात्र साधन है अपनी बात कहने का। चूँकि सुजानपुर विधानसभा से भी आपने चुनाव लड़ा है, स्थानीय मुद्दा सबसे बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ अभी कि दो दिन से विद्युत मंडल एक बड़ी कार्रवाई कर रहा है जिसमें किसानों के वाहनों को सीज किया जा रहा है, जबकि किसानों का कहना है उन्हें 26 तारीख तक का नोटिस मिला है। इसी विधानसभा से स्कूल राज्य शिक्षा मंत्री आते हैं, कालाईपल विधानसभा में आपके पार्टी के विधायक है, आखिर क्यों किसानों को स्थानीय राजनीति ने अकेला छोड़ा है इस मामले में? देखिए मैं तो ये सुनता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार किसानों के हितों को लेकर, उनको भगवान मानकर, उनको सब कुछ मानकर जो जो बयान देते हैं, और फिर उन्हीं के राज्य में, उन्हीं की सरकार में अगर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारी अगर इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो किसान अन्नदाता जैसे कह रहे थे वो नहीं है, कोई अपराधी लोग हैं जिनके साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। किसी भी किसान आर्थिक रूप से कितना संपन्न है विपन्न है अलग बात है, लेकिन स्वाभिमान के रूप से किसान बहुत मजबूत होता है, और आपने उसके घर जाकर उसकी मोटरसाइकिलें, उसके अन्य ट्रैक्टर्स को, इनको सबको सीज करना, मुझे लगता है सार्वजनिक रूप से किसान को अपमानित करना और ये वसूली करना, तो बता तो दें कि हाँ भाई ये वाकई अन्नदाता है या इसके बारे में कोई नई परिभाषा गढ़ रहे हैं, ये बड़ा दुखद है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को और बढ़ेगी और इस प्रकार लोगों को लगेगा कि हाँ अराजकता ही एकमात्र साधन है अपनी बात कहने का। चूँकि सुजानपुर विधानसभा से भी आपने चुनाव लड़ा है, स्थानीय मुद्दा सबसे बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ अभी कि दो दिन से विद्युत मंडल एक बड़ी कार्रवाई कर रहा है जिसमें किसानों के वाहनों को सीज किया जा रहा है, जबकि किसानों का कहना है उन्हें 26 तारीख तक का नोटिस मिला है। इसी विधानसभा से स्कूल राज्य शिक्षा मंत्री आते हैं, कालाईपल विधानसभा में आपके पार्टी के विधायक है, आखिर क्यों किसानों को स्थानीय राजनीति ने अकेला छोड़ा है इस मामले? देखिए मैं तो ये सुनता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार किसानों के हितों को लेकर, उनको भगवान मानकर, उनको सब कुछ मानकर जो जो बयान देते हैं, और फिर उन्हीं के राज्य में, उन्हीं की सरकार में
अगर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारी अगर इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो किसान अन्नदाता जैसे कह रहे थे वो नहीं है, कोई अपराधी लोग हैं जिनके साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। किसी भी किसान आर्थिक रूप से कितना संपन्न है विपन्न अलग बात है, लेकिन स्वाभिमान के रूप से किसान बहुत मजबूत होता है, और आपने उसके घर जाकर उसकी मोटरसाइकिलें उसके अन्य ट्रैक्टर्स को इनको सबको सीज करना, मुझे लगता है सार्वजनिक रूप से किसान को अपमानित करना और ये वसूली करना, तो बता तो दें कि हाँ भाई ये वाकई अन्नदाता है या इसके बारे में कोई नई परिभाषा कर रहे हैं। ये बड़ा दुखद है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे स्थानीय मंत्री जी हैं इंदर सिंह साहब, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि किसानों के लिए अगर आप वाकई में ये जो घटनाएं घट रही हैं, जो कहा गया कि 26 तारीख है और नहीं करोगे तो आतंक के साये में इस प्रकार जिएंगे लोग, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, किसान के पास में इतना पैसा नहीं होता कि कई अवसरों पर वो पैसा अदा कर पाए बिल का, तो उनको अवसर दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, सब हर बात का एक लोकतंत्र में सम्मानजनक हल होना चाहिए, ये मैं किसानों के लिए निवेदन करना चाहूँगा। चूँकि अभी एक तरफ सम्मान हो रहा है, सम्मान निधि और ये और वो और दुनिया भर के इतने सम्मान शब्द का इतना बड़ा ढिंढोरा पीटा गया, और वहीं समानांतर रूप से इस प्रकार अपमान होगा, तो सम्मान या अपमान के बीच में मुख्यमंत्री जी तय करें, मैं यही निवेदन करता हूँ। मेरा आखिरी सवाल, चूंकि आप दिल्ली की राजनीति से भी अच्छा करते हैं, ये 5 राज्यों के जो चुनाव हुए कांग्रेस की हार,